आस्था से लोगों के जुड़ा रहता है, वहाँ दारू या कोई भी ऐसा चीज काम नहीं होना चाहिए जिसके आस्था को इंसान के किसी भी धर्म के। तो अब बिहार में कब्रिस्तान से हो रही शराब की तस्करी, माफिया ने बनाया था गोदाम और विरोध करने पर मारपीट पर हो गया उतारू। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। शराबबंदी है लेकिन शराब की तस्करी करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन शराब की तस्करी करने के नए नए हथकंडे अपना रहे। इस बीच दरभंगा जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां तस्करों ने कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि दरभंगा जिले के बेंता ओपी क्षेत्र के गंगा सागर पोखर के पश्चिमी भिंडा स्थित कब्रिस्तान से शराब की तस्करी किए जाने का खुलासा हुआ है और इसे लेकर के बवाल खड़ा हो गया। जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो शराब माफिया उग्र हो गए। शराब माफियाओं ने विरोध कर रहे लोगों के साथ मारपीट भी की। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बेंता ओपी को सूचना दी। जैसे ही पुलिस को सूचना देने की जानकारी शराब माफियाओं को मिली, उन्होंने बोरी में रखी शराब को गंगा सागर पोखर में फेंकना शुरू कर दिया और सूचना पाकर लहरिया सराय थाना अध्यक्ष एचएन सिंह व बेता ओपी प्रभारी उमेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पोखर से बोरे में रखी शराब बरामद कर ली, साथ ही कब्रिस्तान से भी शराब बरामद की गई। बताया जाता है कि लंबे समय से कब्रिस्तान में शराब रखी जा रही थी। जैसे ही स्थानीय लोगों को शराब की खेप उतरने की सूचना मिली, लोग शराब रखने की जगह पर पहुंच गए। लोगों ने शराब माफियाओं से कहा कि कब्रिस्तान से शराब हटा लो। इसी बात पर शराब माफिया उग्र हो गए और लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बेतावपी थाना अध्यक्ष ने बताया कि कुल 294 लीटर नेपाली सोफिया शराब जब्त की गई है और शराब तस्करी का काम मनोज महतो, छोटू कुमार, गोपाल कुमार इत्यादि कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गंगा सागर कब्रिस्तान के पास शराब की बोतलें बरामद हुई है। हम लोगों के साथ स्थानीय लोग द्वारा सूचना प्राप्त हुई, हम लोग शराब की बोतल बरामद कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पड़ोस के हैं ये लोग, हम लोग आए यहाँ मना करने के लिए। ये लोग हम लोग पर लाठी डंडा और रोड़ेबाजी करते, पत्थर दा करके मारे, कहते कब्रिस्तान में मुर्दा गाड़ो और चले जाओ। इससे पहले अभी यहाँ गंगा सागर कब्रिस्तान पे जो यहाँ के जो लोग हैं वो लोग यहाँ इधर से हमेशा सुबह शाम देख रेख में आते हैं, साफ सफाई में। उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहाँ दारू रखे हुए थे, दारू का वहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा, दारू वहाँ रखा हुआ है। इन लोगों ने कहा कि कोई भी धार्मिक चीज जिसे आस्था से लोगों के जुड़ा रहता है, वहाँ दारू या कोई भी ऐसा चीज काम नहीं होना चाहिए जिसकी आस्था को इंसान के किसी भी धर्म के इंसान को ठेस पहुंचे। इसलिए इन लोगों ने उनको मना किया तो वो लोग कहें कि नहीं आप, हम लोग रखेंगे ही। इसके वजह से उन लोगों ने इन लोगों के साथ मारपीट की, उसके बाद थोड़ा सा इन लोगों के साथ मारपीट भी किया और जबरदस्ती इन लोगों को वहां से मार के भगाने का इन लोगों ने काम किया। तो जिला उसने भी प्रशासन को फोन, कानून को फोन, प्रशासन को फोन हो गया है और आप लोगों के माध्यम से और कानून के माध्यम से जो उचित कार्रवाई हो। दारू भी देख रहे हैं आप लोग, लगातार यहाँ से बरामद हो रही है, कब्रिस्तान में दारू बरामद हो रही है। जहाँ भी हो सके जितना प्रशासन के माध्यम से उन लोगों पर, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, दारू वहाँ पर कब्रिस्तान में रखने का काम किया है, उन लोगों को मारने का काम किया जिन्होंने मना किया, तो आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम किया, उन लोगों पर जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। किसी की पहचान भी हुई है? उन लोगों का वीडियो है, उन लोगों को पहचान की जाएगी और प्रशासन का जांच का विषय कौन लोग, प्रशासन को बताया। कहां के लोकल लोग थे या बाहर के लोग? यहीं पर के ही लोग थे, उन लोगों का कहना है। कौन सी जगह है कब्रिस्तान? ये गंगा सागर कब्रिस्तान है, लेकिन इन ऐसे असामाजिक तत्वों पर उचित से उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। नीतीश कुमार जी ने जो लगातार दारू पर पाबंदी लगाई है, लेकिन इस तरीके से दारू का मिलना ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि दारू बिहार में पूरी खुलेआम बिक रही है, लेकिन प्रशासन मौन है, अफसोसनाक है दरभंगा जिला प्रशासन के लिए। कितने भारी मात्रा में दारू बरामद अभी भी कब्रिस्तान में दारू है गड़ा हुआ अभी भी।